हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो घर में बच्चे बूढ़े जवान सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बनाने में उतनी ही इजी और सिंपल है और बहुत ही कम तेल में ये बनके रेडी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, पहले हम कुछ सब्ज़ियाँ काट लेंगे। इस तरीके से हरी प्याज को मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। अब इस तरीके से शिमला मिर्च को भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब टमाटर को हम बारीक बारीक काट लेंगे। और उसी तरीके से प्याज को भी हम कट कर लेंगे। इस रेसिपी में प्याज ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको डालना है तो डालिए, नहीं पसंद है तो नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो ये देखिए, सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। अब हम सॉसेजेस को कट करेंगे। ये मेरे होममेड चिकन सॉसेजेस है जो बनके बहुत ही आसानी से रेडी होते हैं। आप इसको महीना भर स्टोर भी कर सकते हो। तो जल्दी ही मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस तरीके से एक प्याला ले लेंगे हम, और प्याले में हम 3 अंडों को फोड़ लेंगे। इसमें हम आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इस तरीके से एक तवा ले लेंगे और तवे पे हम बटर डालेंगे या फिर एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहे तो कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से अब ये जो अंडे जो हमने फेंट के रखे थे, इस तरीके से चारों तरफ से फैला के हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और इस तरीके से ब्रेड की स्लाइसेस अंडे में डिप करते हुए पलटा पलटा के हम रख देंगे। मेरा तवा बड़ा था तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ की है। अब इस तरीके से जो सॉसेजेस कट करके रखे थे हमने, वो डाल देंगे। तो सॉसेजेस को हमने अरेंज कर लिया है। अब उस पर हम डालेंगे कटी हुई प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी प्याज। थोड़ा सा नमक हम छिड़क देंगे क्योंकि हमने कच्ची सब्जियां डाली थी, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे टेस्ट के लिए। अब इस तरीके से चीज़ स्लाइसेस ले लेंगे हम, और 2 ब्रेड के ऊपर 2 चीज़ स्लाइसेस रख देंगे। चीज़ स्लाइसेस के ऊपर भी हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डाले हैं। तो बीच में से इस तरीके से अंडे को हम कट कर लेंगे, और जो एक साइड ब्रेड की है उसको चीज़ स्लाइस वाली ब्रेड के ऊपर पलटा देंगे। माशाल्लाह, ये देखिए इस तरीके से। दूसरे ब्रेड को भी हम ऐसे ही पलटा देंगे। दोनों साइडों को क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे, जिससे हमारी अंदर चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, थोड़ी सब्जियां भी पक जाएगी और अंडा भी हमारा क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरीके से साइड को पलटते हुए चारों तरफ से हम सेक लेंगे इसको। तो ये देखिए, अंडे हमारे बहुत ही अच्छे से रेड फ्राई हो चुके हैं और ये सैंडविचेस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये देखिए, कितने ही माशाल्लाह और कितने ही खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं, और खाने में तो मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कट हुए हैं। इस तरीके से आप ये सैंडविच अफ्तारी में ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं, आपका तो इसको रोज़ बनाने को मन करेगा। तो देखा ना कितनी आसान रेसिपी है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बन के रेडी हुई है।
खा के तो एकदम मज़ा ही आ गया। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।